दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वट सावित्री व्रत की पूजन विधि और पूजन सामग्री डिटेल में, कैसे हमारे घर पे होता है। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसके लिए हमें कई बहनों ने बोला था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलगुला। ये वट सावित्री व्रत में चढ़ने वाला मेन प्रसाद है। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे आधे कप चीनी और इसे एक कप पानी में घोलने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम एक बर्तन में लेंगे आधा कप से ज़्यादा गेहूं का आटा और उसमें मिलाएंगे आधा चम्मच पिसी हुई इलायची, आधा चम्मच सौंफ। ये सौंफ मसाले वाली सौंफ होती है, जो मोटी वाली होती है। ये सभी चीज़ों को मिला के हम इसी चीनी वाले पानी से घोल लेंगे। घोलने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम चढ़ाएंगे कढ़ाई में तेल खोलने के लिए। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम गैस सिम करके इन गुलगुलों को छोटी छोटी पकौड़ियों के रूप में इसमें सेंक लेंगे। गर्म करके गरम तेल में अच्छी तरीके से दोनों साइड से पलट पलट के सेंक लेंगे। गुलगुलों के में ज़्यादा चीनी नहीं होनी चाहिए वरना ये कड़े हो जाएंगे, और कम चीनी भी नहीं होनी चाहिए वरना ये फीके हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने ये वो श्रृंगार का सामान जो हमने वट सावित्री व्रत के लिए मंगाया है, यहाँ पे मैंने वो ही आप लोगों को दिखाया है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आपके यहाँ ये जो वट सावित्री व्रत की पूजा है जो कि आने वाली है 30 तारीख को, वो कैसे मनाई जाती है, आप उसकी पूजन कैसे करती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो उसमें चढ़ाई जाती हैं और किस विधि से इसकी पूजा की जाती है, ये आप मुझे बताएं। कि जो हमारी बहनें हैं अभी फर्स्ट टाइम पहली बार ये त्यौहार करने जा रही हैं, हो सकता है कि उनको कुछ कंफ्यूजन हो कि किस तरीके से ये पूजा की जाएगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके पहले ही ये वीडियो मैं लेके आती हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी सी मदद हो जाए। जो भी लोग ये पूजा करते हैं उन्हें थोड़ी सी विधि शेयर हो जाए उनके साथ और वो पहले से ही तैयारी करके रख लें कि उन्हें ये पूजा कैसे करनी है। दोस्तों, ये पूजा होने वाली है 30 मई को। इस दिन हम लोग पूजा करते हैं वट वृक्ष की और पूजा आराधना करते हैं माता सावित्री और सत्यवान की और साथ में ही गौरी और गणेश की होती है। बेसिकली पति के लंबी उम्र के कामना के साथ महिलाएं करती हैं, सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये पूजा की जाती है। तो आइए बताती हूँ मैं आपको कि ये पूजा मेरे यहाँ कैसे किया जाता है। मेरे यहाँ जो सामान लगता है मैं वो बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो मेरे यहाँ सबसे पहले तो श्रृंगार का सारा सामान चढ़ता है, जो भी आपसे हो सके 16 श्रृंगार या 21 श्रृंगार, इस तरीके से करके हमारे यहाँ इसमें श्रृंगार का सामान लगता है। और इसके लिए बनता है गुलगुला, ये बेसिकली हमारे यहाँ आज ज़रूर बनता है। और इसके अलावा चढ़ती हैं 12 पूड़ियाँ जिसे हमारे यहाँ हमारी लोकल भाषा में कहते हैं रोट। तो हम लोग इसके लिए इसमें जो भी चीज़ हम चढ़ाते हैं वो 12 की संख्या में चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाते हैं और इसके साथ साथ चढ़ाते हैं हम लोग कच्चे सूत की 2 मालाएं। कच्चे सूत की माला हम लोग क्या करते हैं, जो कच्चा वाला सूत होता है उसको ले लेते हैं और 12 बार ऐसे घुमा घुमा के उसकी एक माला बना ले। ये जो माला है ना, ये 2 बनती हैं, एक बनती है हमारी गौरी माता के लिए और एक हमारे अपने खुद के लिए। तो जो गौरी माता की माला बनाते हैं वो बनाते हैं हम लोग थोड़ी सी छोटी और जो अपने लिए बनाते हैं वो थोड़ी बड़ी बनाते हैं। तो ये लेकिन बनाते दोनों ही 12 सूत की 12 बार लपेट के और गांठ लगा के ये मालाएँ बनाते हैं। पहले तो ये पूजा होती है दोपहर के ठीक 12 बजे, और ठीक 12 बजे तक जब पूजा करते हैं उससे पहले हम लोग पानी भी नहीं पीते। मतलब ये दोपहर तक 12 बजे तक निराजल व्रत होता है। और ये अमावस्या जिस दिन उदया तिथि होती है ना, उस दिन अमावस्या को ये पूजा की जाती है। तो वृक्ष की पूजा करते हैं हम इस दिन। तो सबसे पहले तो सुबह सुबह एक तो जितना अच्छे से आप तैयार हो सकते हैं, 16 श्रृंगार कर सकते हैं, उतने अच्छे से विधिवत भगवान का नाम जपते जपते मन में विधिवत श्रृंगार करें। मम्मी हमारी जो सासू माँ है वो कहती हैं कि जब भी कोई भी ऐसा त्यौहार हो जिसमें हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं, या फिर कभी कभी बच्चों के लिए भी हम लोग व्रत रखते हैं, क्योंकि हम महिलाएं तो वैसे भी बहुत सारे व्रत रखती हैं, कभी पति के लिए कभी बच्चे के लिए,
कभी अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, तो उस समय हम लोग हमेशा नया कपड़ा पहनते हैं, लोगों के पास अवेलेबल हो, और ज़्यादातर तो बहनों के पास अवेलेबल ही होता है, तो कोशिश करें कि नया वस्त्र पहने, तो खूब अच्छे से सुंदर तरीके से तैयार होके उसे आपको लेके, और हम लोग जाते हैं बट वृक्ष की, जिन बहनों के घर के आसपास बट वृक्ष नहीं अवेलेबल है तो वो क्या करें कि अगर कहीं दूर दराज की जगह पे भी किसी बट का वृक्ष हो तो अपने पति से कहें और वहाँ से एक बट की जो है शाखा तुड़वा लें, मतलब डंडी जिसमें थोड़े पत्ते हों वो तुड़वा के लेके आके और अपने यहाँ जो है गमले में उसे गाड़ लें। तो हम लोगों के घर के पास मंदिर में तो अवेलेबल हो जाता है। तो फिर सबसे पहले बहनों क्या करते हैं कि जो है हम ले जाते हैं सारा पूजा की सामग्री जिसमें होता है। तो बहनों इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए होगी वो चाहिए होगी एक ये धूप, धूप तो आप मतलब एक नहीं, मैंने तो यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए एक रख दिया है, धूप ले लीजिएगा दो तीन रोली, पुष्प, घी की दिया और अक्षत। इसके अलावा पूड़ियाँ जिन्हें है ना, पूड़ियों को हम लोग रोट कहते हैं, तो रोट और ये 12 गुलगुले, कुछ सीजनल फल, और चढ़ाते हैं इसमें हम लोग काला चना। काला चना की काला चना भी हम रात में भिगा देते हैं, कच्चा सूत। और जब चढ़ाने के सामान में जैसे सिंदूर, बिंदी और नेन पॉलिश, महावरी और जो पाउडर, क्रीम, सारा जो 16 तरह का सिंगार होता है वो सारा चढ़ाते हैं। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसमें पंखा चढ़ाना, और पंखा कोशिश करें कि जो बांस का बना हुआ पंखा आता है वो लें, क्योंकि हम लोगों के यहाँ बांस के बने हुए पंखे को बड़ा शुभ मानते हैं, तो हम लोग बांस के बने हुए पंखा ही मंगाते हैं। क्योंकि अभी व्रत 3 दिन बाद है तो अभी हमारा कुछ सामान नहीं भी आया है, सामान इसमें चढ़ाते हैं, जिस चीज़ की भी पूजा करते हैं वो हम अपने किसी मान्य को या पुजारी या पंडित को देते हैं, तो हम उनके लिए कुछ कपड़ा भी रखते हैं। जो बहने नया नया शुरू कर रहे हैं, अभी पहली बार त्यौहार शुरू कर रहे हैं, तो वो कोशिश अगर हो जाए तो कोशिश करें कि जो है एक सेट कपड़ा भी अच्छे से चढ़ा दें, जैसे कि साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, जो भी 5 कपड़ा करके करते हैं हमारे यहाँ। तो क्योंकि हम ये सारा सामान सुहागनों को देते हैं, अपनी कहीं कोई मानदान जो होती हैं जैसे कि बहन बेटी, या फिर लोग इसमें ना पंडित जी के लिए एक सीधा भी रखते हैं। सीधा अगर आपके घर के आसपास कहीं कोई पंडित जी रहते हैं तो अगर आप उन्हें पूजा करने के लिए बुला रहे हैं बट सावित्री की, तो उनको खाना भी ज़रूर खिला के भेजें। देखिए अगर मतलब सामर्थ्य है और आप बन सकता है तो खाना खिलाने का अपना एक विशेष महत्व होता है। हम लोग रात से ही चावल भिगा के रख देते हैं और सुबह उठ के उसको पीस लेते हैं, पीस के उसमें मिला लेते हैं हल्दी, इससे हम छापा बनाते हैं। बेसिकली ये सारी जो विधि है ये हमारे घर में जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वही हम लोगों को सिखाते हैं, तो वो जैसे करते हैं हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पूजा करते हैं। तो बस पहले तो हम जो है जल चढ़ाते हैं भगवान बट वृक्ष को, उसके बाद उनके 12 छापा लगाते हैं, छापा लगाने के बाद उनको जो है अक्षत, रोली, फूल, इससे उनकी पूजा करते हैं, फिर दिया जलाते हैं, धूप जलाते हैं, और दिया और धूप लगा दिखा के भगवान, दो पूड़ी रखेंगे, गुलगुला रखेंगे, तो फिर इसके ऊपर काला चना रखेंगे और गुड़ रखेंगे। इतना चीज़ बना के हम बरगद के पौधे के जो पत्ता होता है ना उसके ऊपर ऐसे करके रख देते हैं। ये रख के हम माता गौरी को चढ़ाते हैं और उसके बाद फिर चढ़ाते हैं हम उनको जो है सारा श्रृंगार का सामान, और श्रृंगार का सामान में 16-21 जो भी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से आप उसके बाद वो करें। उसके बाद कुछ ना कुछ उपवस्त्र भी ज़रूर चढ़ाएं, चाहे अगर आपका फर्स्ट त्यौहार है तो आप जो है कोई नई साड़ी, जो 5 वस्त्र होते हैं वो उपवस्त्र हम उनको, ये भी माता गौरी को ही समर्पित करते हैं। उसके बाद धूप, दीप, अक्षत, फूल और जो है फल, इस तरीके से जो है थोड़ा सा अग्यारी भी करते हैं, अग्यार के लिए जो है अग्यारी और कपूर मिला के लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे घी
और गुड़ मिला के इसमें अग्यारी भी करते हैं, फिर दिया चलाते हैं, जला देते हैं, भगवान जी को वस्त्र उढ़ा देते हैं जो हम लोग कपड़ा लाए होते हैं ये, और उनको दिया दिखाने के बाद, प्रभु जी को दिया जलाने के बाद, फिर हम कच्चे सूत की 12 फेरी देते हैं। हम जो है सुपारी से भगवान गणेश जी को बना लेते हैं और गोबर से हम बनाते हैं माता गौरी को, और माता गौरी और गणेश को बना के हम इन्हीं की पूजा करते हैं इस त्यौहार में। तो दोस्तों, आपके पास भी अगर इस तरीके से सोहगैला हो, हमारे यहाँ इसे कहते हैं सोहगैला, क्योंकि जो है हमारे यहाँ इसी से शादी के टाइम में हमारे यहाँ सिंदूर दान होता है, और फिर हम लोग इस जो सोहगैला है इसको पूरी ज़िंदगी अपने साथ संभाल के रखते हैं, और जब भी कोई पूजा होती है, चाहे करवा चौथ हो, चाहे तीज हो, चाहे सावित्री का हो, लेकिन हम सब में इसी से पूजा करते हैं भगवान की, और इसी से सिंदूर चढ़ाते हैं। उससे देखिए हमारे यहाँ दोस्तों सुहाग देने को कैसे कहते हैं, हमारी मम्मी लोग सिखाती हैं, तो वैसे ही हम आपको बता रहे हैं। हमारे यहाँ चुटकी से सिंदूर दिया जाता है, हमारे यहाँ ऐसे छोटा थोड़ा सा नहीं लगाया जाता है, तो ऐसे चुटकी से माता गौरी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, और उसको फिर इस तरीके से उंगली पे लगाते जाते हैं, जितनी बार हम देते हैं उतनी बार ही लगाते हैं, और ऐसे ज़्यादा सा भर भर के हम लोग लगाते हैं सिंदूर, 12 बार ऐसे लगाया जाता है, और फिर ऐसे मिला के तब उसे हम लोग अपने लगा लेते हैं। और दोस्तों सिंदूर जो हम लोग जिससे लगाते हैं उस गैला को प्रणाम भी ज़रूर करते हैं हम लोग हमेशा, ये हमारे यहाँ की विधि होती है कि जब भी आप सिंदूर लगा लें तो उसके बाद सोगैला को आप अपने प्रणाम करके तब रखें। 2 माला होती है, उससे हम माला फेरी करते हैं, पहले माता को एक बार उसको छुआते हैं, फिर अपने करते हैं, फिर छुआते हैं, ऐसे करके 1 माला तो हम चढ़ा देते हैं माता गौरी को, और दूसरी जो माला है उसको 12 बार माता गौरी से टच करा के माला से, और उसके बाद अगर घर की कोई बड़ी बूढ़ी हैं तो वो हम लोगों को उसी को माला को पहना देती हैं। और ये माला दोस्तों बहुत ज़रूरी होती, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ये लंबे सुहाग की कामना से हम लोग पहन कर रखते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि भगवान हमारे पति को बहुत लंबी उम्र दें। तो ये माला हम 12 दिन तक, पूरे 12 दिन तक पहन के रखनी होती है, और जब हम ये माला 12 दिन हो जाएगा तो फिर ये माला उतार के यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे, इसे वही जो बट वृक्ष जहाँ पूजा किए थे वहाँ पे, या फिर कोई आसपास में जहाँ भी बट वृक्ष, जो भी वृक्ष आपको मिले ज़मीन पे, तो खोद के और उसके बाद वहाँ गाड़ दें, ऐसे ज़मीन पे ना फेंक दें कि उस पर किसी और का पैर पड़े या कोई जानवर पैर पड़े या कुछ हो। सत्यवान और सावित्री की व्रत कथा तो सभी को पता है, लेकिन हर बार पूजा के बाद हम लोग वो सुनते हैं कैसे माता सावित्री अपने पति की उम्र के लिए यमराज तक से लड़ गई। तो ये तपस्या का फल होता है, और इस दिन जब भी जितनी भी महिलाएं हैं वो पूरी सच्ची श्रद्धा निष्ठा से ये व्रत इसीलिए करती हैं कि उन्हें लगता है कि भाई ठीक है, हम भी सावित्री हैं और हम अपने पति की उम्र के लिए यमराज तक से लड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा हमारे उसके, तो इसलिए घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए ये वाली पूजा करी जाती है, और ये कथा भी उसी समय पढ़ी जाती है, और बड़ी बूढ़ियाँ पढ़ के सुनाती हैं। अगर आपके साथ कोई बड़ी बूढ़ी अवेलेबल ना हो, आपके साथ कोई पूजा ना कर रहा हो, तो आप खुद ही ये कथा जो किताब मंगा लें और उससे पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने के बाद ही ये व्रत पूर्ण होता है, और फिर अर्घ देते हैं और अग्यारी करते हैं, और उसके बाद फिर ये पूजा संपन्न हो जाती है। फिर दोस्तों कि जब आप पूजा करके उठेंगे तो जो फल और गुलगुला ये चढ़ाएंगे आप, अगर आपके यहाँ कोई बड़ी बूढ़ी होंगी तो जो गौरी माता को चढ़ी हुई प्रसाद है वो आपके कोछे में दे देंगे, कोछा हमारे यहाँ कहते हैं ये पल्लू के आँचल को, फल डाल देती हैं, गुलगुला डाल देती हैं, और वो तो हम उसी को जो है ले कर आते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग उसको प्रणाम करके बाद में वो फल वल खाते हैं, तो हम उसके बाद पानी पीते हैं। पानी पीने के लिए सबसे पहले तो जो वो बरगद की ठोटी नहीं होती है, जो नई नई सी कोपल निकलती है जिसमें वो चना जैसा निकलता है, अगर आप देखेंगे ना छोटा सा कल्ला जहाँ से फूटता है वहाँ पे ऐसे चने जैसा होता है, हम लोग ढूंढते थे पहले बचपन में जब मम्मी व्रत रहती थी तो हम लोग उसको उसमें से ढूंढते थे, और अब फिर बच्चे ही, इस बच्चों से कह दीजिए बड़ा मज़ा आता है उनको ये सब करने में, वो आपको ढूंढ के उसमें से जगह, क्योंकि वो हर नई कोपल के ऊपर शुरू होता है, चना जैसा दिखता है वो, एक ही को तोड़ के 12 पीस कर लेते हैं और उसको निगल के तब पानी पीते हैं, पहले उसको फिर चना,
चना जो हम चढ़ाते हैं काला वाला, वो चना निकल के और फिर पानी पीते हैं। ये लोग हैं हमसे उनके आशीर्वाद लेते हैं और व्रत पूर्ण हो जाने की जो है अच्छे से पूर्ण हो, भगवान हमारी जो प्रार्थना है मनोकामना है उसको सुने और पूरा करें, इसके लिए हम सब लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। और लेने के बाद शाम तक तो फलहार ही करते हैं, शाम तक तो कुछ नहीं खाते हैं। शाम के एक टाइम जो है बिना तेल में बना हुआ जो खाना, देसी घी रिफाइंड आप कुछ भी यूज़ कर लें, लेकिन सरसों का तेल थोड़ा वर्जित होता है, तो सरसों के तेल में बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। जो है खाना बना के एक टाइम रात में शाम के टाइम 5-6 बजे के बाद जो है आप खा लेते हैं। तो इस विधि से हमारे यहाँ पूजा होती है भगवान जी की। तो आप लोगों के यहाँ कैसे होती है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे इंस्टाग्राम पे आप अपनी फ़ोटोज़ और अपने वीडियो ज़रूर डालिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों को पूजा करते हुए देख के। भगवान आप सब लोगों के ये भगवान वट सावित्री का व्रत बहुत अच्छे से संपूर्ण करें प्रार्थना के साथ। आज के लिए जी नमस्कार।